हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी देखिए माल्टा का बहुत ही इम्पोर्टेंस चल रहा है कि बहुत सारे लोग माल्टा जा रहे हैं। माल्टा बहुत अच्छी कंट्री है फ्रेंड्स, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है, इसके बावजूद वो लोग बहुत सारे इमिग्रेंट्स को जगह देते हैं काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप माल्टा जाना चाहते हैं काम करने के लिए तो ये गलतियाँ बिल्कुल मत करिएगा, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। तो देखिए क्या रीज़न है आजकल कि माल्टा का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। देखिए अब देखिए, इसमें इन लोगों ने, ये एक साइट है, आप इनको देख सकते हैं, इमिग्रेशन रेसिडेंसी डॉट यूरोप की। ये हमेशा बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग कवर करते हैं, आप इस साइट पे आके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए फ्रेंड्स, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप इसको पढ़ते हैं, ये मोटा मोटा आप इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने बेसिकली ये जो मसाला है यहाँ पर, इन्होंने क्या लिखा है कि आप अगर माल्टा आना चाहते हैं तो किस लिए आना है, कैसे वीज़ा लेना है, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो किस रीज़न से हुआ है, और जिन लोगों का भी रिफ्यूज़ हो रहा है मैक्सिमम क्यों हो रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि मेन रीज़न माल्टा के क्या है। देखिए सबसे पांच मेन रीज़न जो ये ऑफिशियल साइट है उन्होंने बताया, सबसे पहला है कि सबमिशन ऑफ अ डैमेज और अ फेक पासपोर्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका पासपोर्ट का अपना केयर नहीं करते, उनका पासपोर्ट का पेज फट जाता है तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही सोचते हैं कि चलो अब इसको ही सबमिट कर देंगे। ऐसा मत करिए फ्रेंड्स, पासपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको हमेशा संभाल के रखिए, उसके सारे पेजेस इंटैक्ट होने चाहिए, कभी भी पेजेस ख़राब नहीं होने चाहिए। और दूसरा है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। देखिए रूल 3 महीने होता है, बट आप ट्राई किया करिए कि 6 महीने पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी फ़ोटो जो है पासपोर्ट पर वो एकदम टकाटक होनी चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि आप ही हैं, ऐसा लोगों की पहचान में ही नहीं आ रहा आदमी क्या है। अब देखिए दूसरा रीज़न क्या है फ्रेंड्स, लैकिंग अ जस्टिफाइड पर्पस एंड कंडीशंस ऑफ द स्टे। अब इनमें ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए, एक बहुत सारे लोग जो आते हैं उनका कोई पर्पस ही नहीं होता, वो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, वो देखते हैं बगल वाले ने अप्लाई किया तो मैं भी कर देता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा फ्रेंड्स। आजकल देखिए सारी कंट्रीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, वो हर चीज़ देख रही है कि कैसे कैसे, मतलब कितनी जो आ रहा है वो आदमी कितना सेफ़ है, क्या वो मेरी कंट्री को हार्म तो नहीं करेगा। तो इसलिए आपका पर्पस जस्टिफाई होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो काउंसलर ऑफिसर है जो आपका वीज़ा देखते हैं वो अगर आपका पर्पस सही नहीं होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। अब देखिए हम आते हैं इसके बाद, इनसफिशिएंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि फ्रेंड्स आपके पास स्पॉन्सर्स सही नहीं है, मतलब आपको जिन्होंने माल्टा से ऑफ़र किया है क्या पता वो सही है गलत है, या वो एम्प्लॉयर में इतना दम नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि देखिए इसमें क्या लिखा है, एनीवन विद द मींस कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू अ कंट्री ऑफ हिज चॉइस। फॉर यूरोपियन कंट्री द टाइप ऑफ वीज़ा डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ स्टे, इट इज़ बेस्ट टू डू रिसर्च ऑनलाइन और बी कंसल्टिंग प्रोफेशनल्स। अबव ऑल दिस इज नीड फॉर सफिशिएंट मींस ऑफ सफिशिएंट कंट्री। इसमें देखिए फ्रेंड मोटा मोटा यही बोल रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयर एक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस, मेडिकल इंश्योरेंस। लोग क्या करते हैं कि दिखाने के लिए हम सोच लेते हैं कि छोटा सा मेडिकल इंश्योरेंस करा लेंगे और हो जाएगा, ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में, कम से कम 50,000 यूरोस का कराइए, 1500 में मिल जाता है आजकल, तो उससे आप कम से कम निश्चित रहिए कि इस रीज़न से आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। अब देखिए फॉल्स फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग, लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम कोई भी फॉल्स फ्लाइट और बुकिंग लगा देंगे और वीज़ा और हमारा अप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको माल्टा जाना है तो आप अच्छी बुकिंग कराइए, एकदम जेन्युइन कराइए, जेन्युइन होटल बुक करिए और भेजिए, आपका वीज़ा पक्का अप्रूव होगा। अब देखिए इन्होंने बोला है कि हाउ टू अवॉइड, तो इन्होंने देखिए एक ही चीज़ बोली है जो मैं अपने हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, ये देखिए, कोई झूठ नहीं, कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं, मतलब जो है वो लिखिए, जैसे आप हैं वैसे लिखिए फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ ईमानदार रहेंगे फ्रेंड्स, हमेशा आपका फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स ये सब गलती मत करिएगा, और अगर आप ये गलती नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए आपको भी माल्टा एक बहुत ही सुंदर कंट्री है, वहाँ का वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ काम करिए। मैं खुद माल्टा गया हूँ, बहुत सुंदर कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, एक्सपेंसेस कम है, आप आराम से 2,000 से 2,500 यूरो की पर मंथ जॉब पकड़ सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, घर भेज सकते हैं, घर में अच्छा घर मकान बना सकते हैं, अपने पापा भी भाई बहनों का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर।